दोस्तों आज हम जानेंगे नंबर 3। नंबर 3 यानी बृहस्पति, जुपिटर, गुरु। दोस्तों मैं निरंजन निराला। नंबर 3 क्या होता है? अगर आपका बर्थ डेट, आपकी जन्म तारीख 3 तारीख की, 12 तारीख की, या 21 तारीख की, या 30 तारीख की, अगर आप पैदे हुए जन्म लिए हैं, डेट मीन्स कि आप 3 नंबर से रूल कर रहे हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है जुपिटर, बृहस्पति, गुरु है। दोस्तों बृहस्पति नंबर, गुरु जिसे हम बोलते हैं, ये नंबर क्या होता है? दोस्तों गुरु यानी कि ज्ञान, विद्या। विद्या हमें क्या करता है? आगे लेके जाता है, हमें जीवन में करियर बढ़ाता है। दोस्तों कुछ 3 नंबर वाले लोगों का आज विशेष में समझेंगे। नंबर वाले लोग ऐसे क्या करते हैं और इन्हें जीवन में क्या करना चाहिए? अगर आपका भी गुरु खराब है, अगर आपके भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नंबर मिसिंग आ रहा है, 3 नंबर नहीं है, तो क्या करें? दोस्तों आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर आ रहा है, तो भी ठीक। अगर मल्टीपल आ रहा है तो भी आप उपाय करेंगे, और अगर नहीं है तो। नंबर 3 वाले क्या होते हैं? इनके अंदर मिसिंग अगर होती है या अधिकता होती है, दोस्तों ऐसे भी के अंदर अपने ज्ञान पे थोड़ा ईगो होता है, ज्ञान पे घमंड थोड़ा हो जाता है। बस ऐसे लोग समझते हैं कि हमारे अंदर ही नॉलेज है, जो मेरे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या है ना, दूसरे के ज्ञान को समझना नहीं चाहेंगे, लेना नहीं चाहेंगे, लगे बस मुझे पता है ना, मुझे सब कुछ मालूम है, उसे क्या पूछने की जरूरत है। दोस्तों इनके अंदर ऐसा नहीं चाहिए। अगर गुरु खराब होता है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के गुरु, गुरु यानी कि आपके, अब जिन्हें भी लाइफ में गुरु माने होंगे, किन्हीं भी धर्म के अगर होते हैं, गुरु यानी कि आपका शिक्षक, टीचर। आप स्पिरिचुअल के क्षेत्र में जाएं या आप लर्निंग स्टडी के क्षेत्र में जाएं, आपका टीचर भी आपका गुरु है। आप किन्हीं देवी देवताओं से, आप रिलीजियस से अगर जुड़े हुए हैं, किन्हीं को भी लाइफ में एक गुरु आपको बनाना चाहिए। कावतन की बिन गुरु के ज्ञान क्या? अगर आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको गुरु को अपनाना चाहिए। किसी को आप गुरु बना सकते हैं। गुरु में आपका अगर बड़ा भाई है या गुरु है, वो भी आपका बड़े भाई, बिग ब्रदर भी आपके लिए गुरु है। आप उन्हें भी आप अपना आदर्श आइडियल मान सकते हैं, उन्हें भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। या अगर आपने किन्हीं को बनाया है तो आप उनका गुरु को, उनके मार्गदर्शन पे चले। अगर गुरु के मार्गदर्शन पे चलेंगे, कहीं पे भी अड़चन आ रही है, तो आपका मार्ग सुगम होते जाएगा। दोस्तों नंबर 3 का और देखा जाता है, बृहस्पति का है, विष्णु भगवान का है। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, गुरु खराब है, काम नहीं बन पा रहा, पूरे अगर देखा जाए आपकी कुंडली की, होते हैं जिस व्यक्ति का गुरु स्ट्रांग है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका गुरु वीक है मतलब उसके पास नॉलेज के अभाव है, वाणी का अभाव है, बोल नहीं पाएगा, अच्छा स्टडी नहीं कर पाएगा, लोगों को समझ नहीं पाएगा, वो अपनी अकड़ में रहता है, बस समझता है कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, नॉलेज थोड़ी है बट लगता है कि मेरे अंदर नॉलेज बहुत है। और दोस्तों गुरु को अगर अच्छा करना है, अपने जुपिटर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, बृहस्पति को बढ़ाना है, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जिस भी सेक्टर में है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपके अंदर जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज के लोगों को हेल्प कीजिए, अपनी नॉलेज से लोगों को ज्ञान प्रदान कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आप अगर शिक्षक हैं तो लोगों को सर्वाइव कीजिए, लोगों को सर्व कीजिए, उन्हें अपना ज्ञान का टैलेंट दीजिए, उन्हें भी आप बताइए। अगर आप आध्यात्मिक गुरु हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी लोगों के पास परोसिए। आप जितने ज्ञान की गंगा बहाएंगे, आपका गुरु स्ट्रांग होगा। और दोस्तों आपको एवरी डे, प्रत्येक दिन सुबह उठते के साथ अपने उस गुरु का ध्यान करना चाहिए जिससे आपका गुरु मौजूद है। और एक आपको उपाय बता रहा हूँ, बृहस्पतिवार के दिन अगर आपका कुंडली में गुरु खराब है, या अंक शास्त्र में अगर आपका 3 नंबर नहीं है, मिसिंग है, या अधिक बार आ रहा है, 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, दोनों कंडीशन में आपका गुरु खराब है। दोस्तों ऐसे में क्या है,
एक वैदिक मंत्र है जो कहीं ना कहीं आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः। दोस्तों इस मंत्र का 108 बार बृहस्पतिवार को दिन आप जाप करें, 108 बार सुबह उठ के अपने हाथ धोवा के आप पूजा पर बैठते हैं आपको करना। दोस्तों उस दिन आपको येलो कलर का ड्रेस पहनना, अगर येलो कलर के वस्त्र पहनते हैं तो आपको गुरु और स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ चीज़ें डोनेट में भी आती हैं, आप येलो चीज़ का डोनेट भी कर सकते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ भी आप डोनेट कर सकते हैं, आप यथासंभव कर सकते हैं अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो। दूसरा दोस्तों, अगर गुरु कमज़ोर है तो और क्या करें, गुरु आपका एक सेंटर है, जैसे हमारे लाइफ में सेंटर होता है ना, 5 होता है, वो 20 सेंटर का नंबर होता है, हमारे लाइफ में गुरु है। हमारे पूरा शरीर का जो मेन पार्ट है स्टोमेक नाभि, ये हमारा सेंटर है। तो दोस्तों इसको मजबूत करना, इस सेंटर का जो कलर देखेंगे, अगर चक्रे जो हमारे 7 चक्रे हैं, इस चक्र में इस जगह के कलर का नाभि के पास, इसको मणिपुर चक्रम बोलते हैं, गोल्डन कलर का, येलो कलर का। दोस्तों ये चक्रा अगर को बैलेंस करते हैं, मजबूत करते हैं, तो आपका गुरु ग्रह भी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। दोस्तों करना क्या है, अब सुबह नहा लिए, नहा के बाद नहाने के बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ी सी उसमें पानी डालिए 1-2 बूंद, और उसको आपको पीसना है। उस हल्दी को आपको एवरी डे नहाने के बाद आपको नाभि में लगाना है, आपकी बॉडी के जो सेंटर है नाभि, आपको थोड़ी सी हल्दी वहाँ पे गीली करके और नाभि में लगाना है। दोस्तों मिनिमम 45 डेज आपको करना है, कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा कंटिन्यू करें तो चीज़ें हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे आप 45 डेज आप इसे करें, देखेंगे आप अगर इतना भी करते हैं तो आपका गुरु ग्रह एकदम पक्का स्ट्रांग होगा गुरु। और दूसरी चीज़ क्या है, नाभि में लगाना है, थोड़े से हल्दी को आपको सेंटर में भी लगाना है, दोनों जगह लगा सकते हैं आप, केसर का भी तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का भी आप लगा सकते हैं, और नाभि में लगाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, आपके जीवन में मान सम्मान प्यार करियर, गुरु नंबर क्या होता है, और स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ग्रोथ का भी नंबर होता है, इमेजिनेशन का भी नंबर होता है, उनका विजुलाइजेशन पावर जो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों के अंदर एक विशेष गुण होता है, टीचिंग की कला होती है, शिक्षा टीचिंग के माध्यम में ज़्यादा आगे अग्रसर होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन में एक अच्छे कर सकते हैं। और अगर आपका मूलांग 3 है और भाग्यांग 3 है तो दोस्तों और भी बोल दे, इधर भी 3 इधर भी 3, डबल 3 आ गया, यानी आपका गुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं है, एक बार भी 3 नंबर नहीं आ रहा है, दोस्तों मैंने जो आपको रेमेडीज बताए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी फायदेमंद मिलेगा और गुरु ग्रह आपका स्ट्रांग होगा बृहस्पति। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर मैं अगली वीडियो में नंबर की श्रृंखला में आगे आपको मिलने वाला हूँ, नंबर 2। दोस्तों आज दिन बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, मैंने जो आपको उपाय बताया कल से उपाय करना भी स्टार्ट करें, चीज़ें अच्छी होगी। अगर अच्छी होनी चालू करेंगे तो दोस्तों कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, ओम शांति, बाय बाय।